एटम बम तो ऐसे ऐसे हैं जो कि हमने फिट किए हुए हैं, बम्बई पे, कलकत्ते पे, दिल्ली पे, जो कि हमारे जो फौजी जो है ना हमारे। देखते हो क्या होता, जैसे पहले यहाँ पे बेड़े गर्क नहीं हुए, जैसे पहले यहाँ पे बिजली के बिल आसमान से बातें नहीं कर रहे, जैसे पहले यहाँ पे इनको खाने के लाले नहीं पड़े हुए, तो एक और तुनका बीच में लगा दे तो गरीबी की जंग इसी तरह ही खत्म होनी है जब हम दूसरे मुल्कों पे फतह करेंगे। सिकंदर जो बादशाह था ना, उसने जहाँ जहाँ गया है ना वो अपना मुल्क की फतह करता गया। क्या इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं? वो किस सेंस में, वो किस सेंस में जो है ना जेएफ थंडर 17 बना के हम बेच रहे हैं? हमारे बड़ों ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा ही क्यों था अगर आज पाकिस्तान के हर बंदे ने बैठकर रोना था। तो इन बेवकूफों को कोई बताने वाला नहीं था कि आप ये जो हरकतें कर रहे हैं, एक पहले ही मुतनाजा एरिया है, वहाँ पे लोग आपसे पहले ही, उन्हें पता नहीं है, वो शायद एक पाउडर केक की सिचुएशन है, तो आप उनको एंटेगनाइज करेंगे तो क्या होगा। तो वही हुआ कि वहाँ पे देखें कितनी तादाद में लोग निकले और धमकी लगा रहे हैं पाकिस्तान को कि आप कारगिल खोल दें, हमारा एरिया तो वही है, हम उधर चले जाते हैं। पावर यही है, हमारे पास जज्बा है। कौन सा जज्बा? यही जो मतलब हमारी पाक फौज में है। अच्छा जी, हमारी फौज जो है नंबर वन है, और हम अगर चाहें तो हम अपना हक जिससे मर्जी छीन भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। इधर आप पहले आ पाओ, पहले दुपट्टा सिर पे लो, बस हो गया, चलो ठीक है। इतना में टैलेंट होता ना आज मुल्क आपका कहीं पे खड़ा होता। जो आग इन्होंने पंजाब में लगाई वही इन्होंने बाकी सूबा में भी फैला दी। उनके अपने कल्चर्स हैं, उनके अपने कस्टम्स हैं, उनके अपने नॉर्म्स हैं, और उनकी अपनी रिलीजियस फ्रीडम है कि शिया इससे कितने नाराज होंगे। पाकिस्तान में 10-15% कहा जाता है कि शिया लोग रहते हैं, पहले पंजाबिस्तान है, सुन्निस्तान है, अपनी इन्होंने वर्जन डाली हुई है, पहले बेड़ा गर्क हुआ हुआ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। पाकिस्तानियों के भी अजब हाल है, महंगाई की वजह से खाने के लाले पड़े हुए हैं, फिर भी अगर आप इनसे पूछो तो ये बताते हैं कि दुनिया में नंबर वन पाकिस्तान है। क्यों है नंबर वन? तो बोलते हैं कि पाकिस्तानियों में जज्बे की कोई कमी नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान दुनिया में नंबर वन है। तो ऐसी ही एक मज़ेदार वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहेंगे कि इंडिया हमसे पावर में ज़्यादा। जी सर, एग्जैक्टली। कौन सी पावर है आपके पास, वो पावर जरा शो करवाएं आज। भी पावर यही है, हमारे पास जज्बा है। कौन सा जज्बा? यही जो मतलब हमारी पाक फौज में है। अच्छा जी, हमारी फौज जो है नंबर वन है, और हम अगर चाहें तो हम अपना हक जिससे मर्जी छीन भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये जो हमारा मुल्क है ना, ये जो सिर्फ एक बिजली और एक मतलब कहने का पेट्रोल में सिर्फ इस चीज़ आपके पास इतना, अगर आपके पास इतना जज्बा है, आपके पास इतना जज्बा है तो 71 की जंग में पता क्या हुआ था भाई? इन्होंने अपना दिफा ही किया है, मुझे मालूम है 3 जंगें हुई हैं, इन्होंने अपना दिफा किया, इन्होंने पहल कोई नहीं की। आप मुझे बताएं 71 में तारीख में कभी किसी फौज ने 93,000 फौजियों ने सिलेंडर नहीं किया? भाई इन्होंने सिलेंडर इसलिए किया है कि भी हमारा मुल्क अब सेफ हो गया है, इसलिए इन्होंने सिलेंडर भी किया है। हमने अपनी मर्जी से किया भाई, हम किसी से नहीं डरते, इसलिए सिलेंडर किया भी। अपना बाकी की जो फौज थी और बाकी का जो हमारा मुल्क था उसको तो बचाना ही था ना। अच्छा, हाँ जी सही होगा। तो आपको लगता है कि फिर भी आप कहते हैं कि हम सबसे बहादुर सबसे अफजल है? भी दफा करने में और अपनी जान कुर्बान करने में हम तो इतने बहादुर, आपने कहा ना हम सबसे आगे हैं जज्बे में, तो नहीं करना चाहिए था ना, हम तो फिर बांग्लादेश हमसे अलग ही नहीं होना चाहिए था। भी बांग्लादेश है और जो जम्मू कश्मीर है, जो ये सब अपनी वजह से मतलब अलग हो रहे हैं। अगर हम चाहे, ये अगर हमारे से कोऑपरेट करें तो शायद हम इनको जिता भी सकते हैं और हमारा पाकिस्तान मुल्क। आप किस तरह से जिता सकते हैं कोई बताए ना, आवाम देख सुनना चाहती है। मैं इसलिए आया हूँ कि आपकी बात सुनूं। आप किस तरह से कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, जरा आज खुल के बात करें। कश्मीर ने तो खुद ही कहा है ना कि भी हम अपना मुल्क खुद ही बनाएंगे, ठीक है, वो इसलिए अब हमें खामोश होना पड़ गया। अब इंडिया ना, अगर खामोश ना होते तो क्या करते भी? खामोश अगर वो इंडिया कश्मीर अगर हमें कहता कि भी पाकिस्तान जो है हमारे साथ मिलके ये इंडिया के साथ दिफा करे। अच्छा। तो शायद हम अपना इंडिया को फतह कर लें। अच्छा, इंडिया को भी फतह करेंगे आप? जी सर। किस तरह से फतह करेंगे वो जरा खुल के बताए। डंडे मार मार के, गोलियां मार मार के, उनके पीछे पीछे गोलियां मारेंगे हम उनकी। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमारे इतने अखलाक मतलब इंसान नहीं है इतने जितने इंडिया के हैं। हाँ जी, उनकी आबादी पता कितनी है? भी उनकी आबादी जो है ना तकरीबन 30-35 करोड़ है उनकी आबादी। जी, उनकी आबादी 1 अरब 40 करोड़। तरक्की में वो ज़्यादा है, इसलिए कि उनसे उनके साथ ना जो तमाम जो मुल्क हैं ना सब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इसलिए कि वो जो है ना वो बिल्कुल मतलब अपनी तरफ अपने आप को ना अप्रिशिएट करता है सबको।
ठीक है, सबको वो मतलब कहने का कि किसी को कुछ सप्लाई करता है, किसी को कुछ सप्लाई। पाकिस्तान के पास कौन सा ऐसा एटम बम है कि जो इंडिया को वो कंट्रोल कर सकते हैं? ये हाँ बताएं, एटम बम तो ऐसे ऐसे हैं जो कि हमने फिट किए हुए हैं, बम्बई पे, कलकत्ते पे, दिल्ली पे, जो कि हमारे जो फौजी जो है ना, हमारे हुकूमत की एक इशारे पे चल रहे। अच्छा, आज जंग होती है तो आप सबसे आगे होंगे शायद? कैसे, आपके पास रोटी नहीं होगी जंग लड़ने, लड़ सकते हो जाके? भाई रोटी नहीं होगी, कम से कम ये तो करेंगे ना, फौजियों को असला तो भर भर के देंगे ना, गोलियां बारूद। और हमारा दिमाग मेंटल लेवल हमारा चेक करें गाइस आप लोग, कि हम सिर्फ लड़ने मरने और धाड़ने पे ही लगे हुए हैं। हमने ये नहीं सोच रहे कि अगर इंडिया इकोनॉमिकल तौर पर आज ज़्यादा हमसे स्ट्रॉन्ग है तो हम भी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। लड़ाई झगड़े को क्यों नहीं भूल जाते भाई? हाँ झगड़ा को चेंज करने का टाइम, हमेशा इंडिया ने किया है, हमने नहीं किया। अब मुझे एक भी कोई वाकया बता दें जो उसने किया, आपको गलत पढ़ाया गया भाई, जो मैं बता रहा हूँ। हमने नहीं शुरू की, इंडिया ने शुरू किया, आप मालूमात कर लेना, ठीक है? चलें, हमने कही है तो जीता कौन? जीते कुछ भी जीते वो नहीं, जीते भी नहीं है हम, लेकिन बराबर जरूर की है। चले जीते भी हम ही जीते, मैं मान लेता हूँ, जीते तो नहीं हम मान लेते हैं। नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है आज? नुकसान यही है कि हमारा मुल्क आज थोड़ा जो गरीब आवाम जो है हमारी पीछे पड़ गई है। आज रोटी के लिए पाकिस्तान धड़ धड़ के ठोकरे खा रहा और कटोरा लेकर पूरी दुनिया नहीं छोड़ी हमने, सिर्फ यही जंगों की वजह से। अब आप भी अभी भी इस वक्त भी कह रहे हैं कि जंगे लड़ेंगे, हमने एटम बम धाके हुए हैं। भाई जो हालात है ना, तो मेरे ख्याल से जंग अपनी हो जानी चाहिए ऐसी कि हमारा मुल्क पावरफुल होना चाहिए। मुसलमान हो के भी अब फलस्तीन में चले जाएं, आप कश्मीर में चले जाएं, हर तरफ मुसलमान। आप अपनी तो बात कर लो भाई, एक मिनट आगे आइएगा, आप आगे आइएगा। ये कह रहे हैं कि हर जगह पर जंगे लड़नी, क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान का खाना पूरा नहीं हो रहा तो जंगे कट्टा लड़नी। ये कह रहे हैं कि हम जंगे लड़ेंगे हर किसी से, इससे बड़ी कौन सी जंग है जो उनसे लड़ रहे हैं हम लोग? अब बताएं आप। सर गरीबी की तो जंग है ही, जब गरीबी की जंग इसी तरह ही खत्म होनी है जब हम दूसरे मुल्कों पे फतह करेंगे। सिकंदर जो बादशाह था ना, उसने जहाँ जहाँ गया है ना, वो अपना मुल्क की फतह करता गया और आगे बढ़ता रहा है वो। अब आप ये बताइए, ऐसी मेंटेलिटी, ये मीडिया पूरी वर्ल्ड वाइड में वायरल होगी, पूरी दुनिया देखेगी, जब इस तरह की हमारी मेंटेलिटी है कि हम दुनिया को फतह करेंगे, जंग करेंगे, क्या दुनिया हमें हमारी मदद करेगी? कोई नहीं कर रहा मदद, किसी देखो भरा भरा आगे मदद नहीं कर रहा, तो मैं कौन किसी की मदद करेंगे? हाँ जी बताएं आप। सर आप अपनी सोच क्यों नहीं बदल लेते? हम जंग लड़ने के बजाय पीस पे क्यों नहीं आ जाते, प्यार की बात क्यों नहीं कर लेते? सर वो तो ठीक है, लेकिन गरीबी से तो इंसान मर ही रहा है ना, क्या क्या गरीबी से मर रहे, तो इसका हाल ना भाई, इसका हाल ये है कि आप अपने हालात ठीक करें। थोड़ी देर आ जाए उर्दू में। जंग के साथ गरीबी का मसला के क्या ताल्लुक आता है? भाई ताल्लुकात यही है कि हमें पेट्रोल जो हमारे से ईरान ने कब्जा किया है, कश्मीर ने कब्जा, अपना अमेरिका ने कब्जा किया है, हम चाहें तो हम उनसे अपना हक छीन सकते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, किसी के बाप का नहीं है। कौन सा पेट्रोल आपका? ये जो अरब में जितना भी कब्जा हुआ है, अरब ममालिकों का पेट्रोल भी आपका? जाहिर सी बात है, क्या कह रहे हैं? पेट्रोल हमें इंडिया दे रहा है। सुन ले भाई, को सही पता नहीं है, इंडिया से ही लिया आपने, जो आपने अभी रशिया से मुआहदा किया था वो इंडिया से साफ होके आपको मिल रहा, बताया नहीं जाता आपको? बस सर जी कुछ आप उनकी सुने जरा, पैसे ले रहे हैं सर, वो क्या कह रहे हैं? पेट्रोल के पैसे ले रहे हैं वो। अंकल आपकी एज क्या है? मेरी एज 52 है। 52 है, हाँ जी। आपने पाकिस्तान आजाद होते हुए देखा था? नहीं मैंने नहीं देखा। तो पाकिस्तान जब आपने टाइम देखा था, कभी पाकिस्तान का ग्राफ तरक्की की तरफ गए हम? अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी तरक्की में है। आप भी तरक्की में? कौन कौन आदमी है जो तरक्की में नहीं है? सर ये कह रहे मैं तरक्की में नहीं हूँ, ये कह रहे मैं तरक्की में नहीं हूँ, वो कह रहे मैं तरक्की। एक घर में 5-5 बच्चे पल रहे हैं, वो तरक्की नहीं है? सर भूखे भूखे एक टाइम की पकती, दूसरे टाइम की पकती नहीं है। तलीम और तरबियत जो लोग दे रहे हैं वो तरक्की नहीं है। ये तरक्की है 100 रुपए का आटा लेके घर में जा रहे हैं, ये कौन सी तरक्की है? ये बात ये नहीं है मेरा भाई, हर आदमी को अल्लाह ताला ने शर्फ हासिल किया हुआ है, हाथ पान पाँव जमीन हर शह अल्लाह ताला की जात ने इंसान को नेमत दी हुई है, इससे बड़ी कौन सी नेमत लेनी है? अल्लाह ताला ने तो हमें सब नेमत दी है, लेकिन जो हमारे ये हैं भाई किसी से, ये हमारे जो हुक्मरान है ये हमारा कुछ सोचेगा तो हमें वो उसका मिलेगा ना? अल्लाह की जात बहुत बड़ी बड़ी है, वसी है। अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई हरकत करो। अल्लाह ताला ने कहा कि दुनिया में जिस तरह रहकर चाहे तुम मुसलमान हो, अल्लाह ताला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला को इससे ये फर्क पड़ता है कि तुम कितने अच्छे रास्ते पे हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो जैसा कि आपने इस पूरी वीडियो को देखा है कि
जो पाकिस्तानी आवाम है, ठीक है, इनकी गलती भी नहीं है, इनको पढ़ाया ही यही जाता है, इनको दिखाया ही यही जाता है कि पाकिस्तान जो है ना दुनिया में नंबर वन है। इनकी जो आर्मी है, इनकी जो ISI है, ये मतलब दुनिया में नंबर वन है। और नंबर वन क्यों है? क्योंकि इनके पास एटम बम है, बस इसके अलावा इनके पास कोई पॉइंट नहीं होता है। और यही इनके नेताओं के द्वारा, इनकी आर्मी के द्वारा, इनको किताबों में भी यही पढ़ाया जाता है कि इंडिया से जो जंगें हुई हैं उसमें ये सब जंगें जो है ना पाकिस्तानी जीते हैं, और इसके अलावा जो है मतलब दुनिया में सबसे नंबर वन पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है, और मतलब बड़ी बड़ी बातें जो है ना इनको पाकिस्तानियों को किताबों में पढ़ाई जाती हैं। उसी का नतीजा ये है कि आज अगर इनके सामने अगर आप सच्चाई बयां करें कि भैया हिंदुस्तान से आप कोई जंग नहीं जीते थे, और इसके अलावा आप दुनिया में नंबर वन नहीं हैं, आपकी जो सरकार है वो $1 बिलियन, $2 बिलियन को लेने के लिए IMF के सामने घुटने टेकती हैं, ये सारी चीज़ें जब आप इनके सामने बात करते हैं तो कुछ पाकिस्तानी हैं जिनको सच्चाई सुन के समझ में आता है कि ठीक है उनका पाकिस्तान आज किस कंडीशन पर खड़ा है। इसके अलावा कुछ पाकिस्तानी आपको ऐसे भी मिल जाएंगे बात करते हुए जो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है ना उनमें जज्बे की कमी नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान जो है ना दुनिया में नंबर वन है। और जबकि सच्चाई यही है कि आज पाकिस्तान जो है ना इसी नेताओं के द्वारा जो झूठ इनकी आवाम को परोसा गया, जो बताया गया, उसके आड़ में पाकिस्तान की हालत इनके नेताओं ने कैसी कर दी है वो आज हमको पता है। पाकिस्तान में जो बिजली की कीमतें हैं उनके बढ़ने पर जनता सड़कों पर निकली हुई है, प्रदर्शन कर रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आटा जो है ना 100 रुपये किलो से ऊपर जा रहा है, लाइनों में लग लग कर जनता को आटा खरीदना पड़ रहा है। तो ऐसी हालत इसी झूठ के चक्कर में हुई है। अगर इनको सच बताया जाता तो आवाम उनसे सवाल करती, और सवाल ना करे इसकी वजह से पाकिस्तानियों को सिर्फ ये बताया गया कि तुम्हारे पास एटम बम है और तुम दुनिया में नंबर वन हो। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।